स्टूडेंट्स, आज हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। अनुच्छेद लिखना मतलब पैराग्राफ लिखना, पैराग्राफ राइटिंग करते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे ही हिंदी में भी अनुच्छेद लेखन का अभ्यास किया जाता है। आज जो हम अनुच्छेद लिखेंगे उसका नाम है मधुर वाणी। मधुर वाणी मतलब मीठी बोली, जो हम बोलते हैं वो वाणी होती है, और उसे जब मीठा बोलते हैं मतलब हम किसी से अच्छी तरह बोलते हैं तो वो क्या होती है, मीठी बोली। इसमें स्टार्टिंग में कैसे है, हमारी वाणी में इतनी शक्ति होती है कि हम किसी को भी अपना बना सकते हैं और किसी को भी अपने से दूर कर सकते हैं। यदि हम प्रेम पूर्वक किसी से बात करते हैं तो अवश्य ही लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं, और यदि हम कर्कश व कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरों को अपने से दूर कर देते हैं। कर्कश मतलब जो हम कड़वे वचन बोलते हैं, निर्दय मतलब कठोर वचन बोलते हैं, तो वो दूसरे को उसकी वजह से हम दूसरों को अपने से दूर कर देते हैं। कोई भी हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करता। अगर हम मीठा नहीं बोलेंगे, कठोर वचन दूसरे के बोलेंगे, तो कोई भी हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा। आगे, मधुर वचन केवल सुनने वाले को ही नहीं बल्कि बोलने वाले को भी आत्मिक सुख प्रदान करते हैं। किसी के दुख में यदि हम सहानुभूति के दो शब्द भी बोल दें तो वे उसे बहुत सहारा देते हैं, कि अगर कोई दुखी हो और उसको हम दिलासा दें तो वो शब्द दिलासा देने के लिए जो हम शब्द बोलते हैं उनसे उसको बहुत सहारा मिलता है। मृदुभाषी सदा सम्मान पाते हैं, मृदुभाषी मतलब कोमल वचन बोलने वाले, पराये भी उनके बन जाते हैं, सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। मधुर वाणी बोलने वाले कभी भी क्रोध नहीं करते, मतलब गुस्सा नहीं करते, बल्कि प्रेम व सौहार्द मतलब दोस्ती से समाज में मेल जोल बढ़ाते हैं। आपने ये अनुच्छेद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और उसे अच्छी तरह से याद करना है।